हेलो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है? ट्रांसफ़र करना, एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाएगा आपके पास? ट्रांसपोर्टेशन, जो मेनली क्या है आपके पास, ब्लड लिम्फ इन अगर एनिमल्स की बात करें तो इनके थ्रू किया जा रहा है। सारे के सारे अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखें तो हर एक लिविंग बॉडी को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन चाहिए हर एक सेल के लिए, ताकि जो लाइफ की फॉर्म्स हैं, जो लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, वो फुलफिल की जा सकें। स्पेशली हम बात कर रहे हैं एरोबिक वन की। ट्रांसपोर्ट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस जैसे डाइजेशन है आपके पास, रेस्पिरेशन है, वैसे ही सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन क्या है आपके पास, एक लाइफ प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट, बन कहीं रहा है, एब्जॉर्ब कहीं हो रहा है, और उसका यूटिलाइजेशन क्या है बॉडी के अदर पार्ट में हो रहा है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा और पैरामीशियम की, दे डू नॉट रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मटेरियल। तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उन्हें इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका मटेरियल है वो डायरेक्टली क्या है आपके पास, इनडायरेक्ट वे में जो सराउंडिंग्स है, एनवायरमेंट है, उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहता है। डायरेक्टली वहीं से उनका जो एक्सचेंज है वो हो जाता है। दीज सब्सटेंसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में वो जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं, और ड्यू टू द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट हो रही है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट हो रही है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम? साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस क्या है? द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। दे एक्सचेंज गैसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से डिफ्यूजन के बेसिस पे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्ट। जितने भी कॉम्प्लेक्स अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन मिल जाएंगे आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स में, क्योंकि यहाँ क्या है, ये मल्टीसेलुलर हो जाते हैं और एक सेल से पूरा टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जिनके कारण इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, बढ़ जाती है। अगर हम पहले बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इस सिस्टम को नाम देते हैं हम वस्कुलर सिस्टम या वस्कुलर टिश्यू। और वस्कुलर सिस्टम और टिश्यू में आपके दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द जाइलम एंड अदर इज द फ्लोएम। जो जाइलम है आपका वो मतलब वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है। ये चार टाइप के सेल से मिलकर बना है, जाइलम ट्रैकियार्ड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जैसे वेसल्स हैं वो आपके पास एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड होते हैं, और ट्रिकियार्स जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। फंक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और वाटर के साथ जो डिजोल्व फॉर्म में मिनरल्स, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स दोनों को नाम दिया जाता है सैप। सैप क्या है? वाटर प्लस उसके अंदर जो डिजोल्व मिनरल आयन है। एसेंट ऑफ सैप क्या है? उसे सॉयल से प्लांट के अपर पार्ट तक पहुंचाना, एसेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कहलाएगा एसेंट ऑफ सैप, जो कहीं ना कहीं प्लांट में एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो कैसे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए जो सबसे मेन प्रोसेस कंसिडर की जाती है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर का वेपर्स की फॉर्म में प्लांट के लीव पार्ट से, मतलब स्टोमेटा के थ्रू, मेनली स्टोमेटा के थ्रू लॉस होना, प्लांट पार्ट से लॉस होना क्या कहलाएगा आपके पास? ट्रांसपिरेशन। द कंटिन्यूस इवेपोरेशन, लगातार ट्रांसपिरेशन हो रहा है जिसके कारण लीव के अंदर एक सक्शन पुल कंसिडर किया जाता है कि बनता है, जिसके कारण जाइलम वेसल्स के हैं वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को सक करेंगी, ज्यादा से ज्यादा वो उसको खींचती हैं पानी को। ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूज इन, जितना भी पानी रूट से टोटल एब्जॉर्ब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसका 2% मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, बाकी सारा क्या है, लॉस ही हो रहा है। इसीलिए ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल भी कहा जाता है, कि नेसेसरी है और इविल इसलिए कहा गया है कि इतनी मेहनत करके जो वाटर प्लस मिनरल लाइन लिए गए थे वो वाटर वहां से लॉस हो रहा है। अगर हम ट्रांसपिरेशन के टाइप्स की बात करें तो तीन टाइप के ट्रांसपिरेशन हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, सेकेंड इज द लेंटिकुलर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, थर्ड वन। क्यूटिकुलर क्या है? जो क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मिस के बाहर भी एक जो लेयर प्रेजेंट है, टोटल का 3-9% जो है वो इस क्यूटिकल के थ्रू होता है। लेंटिकुलर, लेंटिसेल्स हमने पढ़े थे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे, लास्ट टॉपिक्स में आया था आपके, जो पिछले टॉपिक हमने कवर किए।
0.1% टोटल ट्रांसपिरेशन का लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। फिर अगर हम बात करें स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की, वो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है 80-90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन। मतलब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या है, एक मेन वे है। इंपॉर्टेंस क्या हो गई ट्रांसपिरेशन की, ये वाटर और मिनरल्स के सॉयल से रूट के थ्रू एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। प्लांट का बॉडी का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है लगातार वाटर लॉस करके। जितने भी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट के थ्रू इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन विदाउट सर्विंग एनी पर्पस, वो लॉस हो जाता है। और पर्पस भी क्या है आपके पास, द एनर्जी स्पेंट बाय द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन, वो मैंने पहले ही आपके लिए एक वर्ड यूज किया था दैट इट इज नेसेसरी इविल। लॉस तो है ही इसलिए इविल वर्ड यूज किया है, तो ये नेसेसरी इविल है। ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी, को मतलब साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स का साथ में एक पुल लाइक स्ट्रक्चर बनना। द मेन लॉस ऑफ वाटर इज थ्रू स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है ट्रांसपिरेशन में। वाटर इवेपोरेट्स कर रहा है आपका सरफेस ऑफ द सेल्स इन द एयर स्पेस, स्पॉन्जी टिश्यू के थ्रू वो जो इतना भी लॉस हो रहा है।